हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। वीडियो है संडे की, सुबह से शूट करना मैंने शुरू किया है और इतना सारा काम, बहुत सारे बर्तन मैंने सुबह सुबह धोए, आप देख ही सकते हैं। कुछ तो मैंने डिशवॉशर में लोड कर दिए थे, पर कुछ बर्तन जो डिशवॉशर में नहीं धुल सकते या फिर उसमें जगह नहीं बची थी, आप देख सकते हो ये बहुत बड़े बड़े वाले बर्तन हैं, इन्हें मैं हाथ से धो ले रही हूँ, बाकी डिशवॉशर में है। और सुबह सुबह ही बर्तन धोने से हो जाए, आप समझ सकते हैं उस दिन फिर काम का लोड शायद बहुत ज़्यादा है। तो यस, बहुत लोड था। मेरी डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं आई थी, मैं झाड़ू पोछा ही कराती हूँ यूँ तो उससे, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है मेरे लिए, जब कोई काम आप किसी दूसरे की हेल्प से कर सकते हैं और फिर अचानक से वो हेल्प मिलना बंद हो जाए, तो आप समझ सकते हैं। और क्योंकि हम वेकेशन पे भी थे तो घर की हालत भी संभालनी तो पड़ेगी ही। 3-4 दिन हम लोग घर में नहीं थे तो हर तरफ थोड़ा सा फैलावा हो गया था। दूसरी बात, हम लोग वेकेशन में थे तो जो सूटकेस में साफ कपड़ों का भर के लेकर गई थी वो पूरा का पूरा गंदे कपड़ों से भर कर लेकर आई थी, तो उन्हें धोने का भी एक एक्स्ट्रा काम तो था ही। तो मैंने सूटकेस वगैरह खाली किया, बेडिंग बदली, बहुत सारा काम सुबह से ही मैंने किया। और शायद आप मेरी बात से अग्री करेंगे, जब हम डे टू डे लाइफ जीते रहते हैं ना, तो हमें एक आदत हो जाती है कि ये काम करना है, इस वक्त तक ये सब हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी टर्बुलेंस आती है, चाहे वो अच्छी तरह से हो या बुरी तरह से हो, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प का ना आना, या आप वेकेशन पे चले जाएं, या घर पे गेस्ट आना, तो थोड़ा पता नहीं क्यों जो पेस आपकी होती है ना डेली काम करने की, उस पे जर्क आता है और फिर थोड़ा वक्त लगता है वापस उसी नॉर्मल रूटीन में आने के लिए जिसके आप आदी हो चुके हैं। और जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जो लोग मुझे बहुत वक्त से फॉलो कर रहे हैं, कि मुझे है ना एक ओवेरियन डर्मोइड है, इसकी वजह से मुझे झाड़ू और पोछा वाला जो पोस्चर होता है ना, उस पोस्चर में आने के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। लेकिन जब कभी मेरी डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती है तो ये सब काम मुझे करना पड़ता है, और सच्ची पूछिए मुझे नानी याद आ जाती है। इतना कोई काम मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है जितना झाड़ू पोछा होता है, पर जब करना है तो करना है, घर को बासी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। बस चाय चढ़ा दी है मैंने और साथ साथ जो बर्तन धुले थे सुबह के लॉट में वो सारे मैं अरेंज कर दूंगी, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सुबह की बात है। चाय पीने के बाद जो बर्तन इकट्ठे होंगे, और आप सोचते हैं कि मैंने बस चाय ही तो बनाया है, एक पतीला, एक छलनी, 2 कप, लेकिन पता नहीं कहाँ से 4-6 बर्तन और निकल आते हैं, इधर उधर ग्लास पड़े होते हैं, प्लेट्स पड़े होते हैं, घर में जब बच्चे हों तो स्पेशली ऐसा होता है। और अभी आप देखिए कितने सारे बर्तन थे वो जो मैंने धोए और अभी खाली किया है बास्केट। अभी चाय पीऊँगी बैठ कर, इसके बाद फिर बर्तन धोऊँगी, और आप देखिएगा सिर्फ एक चाय का पतीला, छलनी और 2 कप कितने सारे बर्तनों में तब्दील हो जाने वाले हैं।
और ये देखिए आप मेरे नेल्स की हालत है ना, इन्हें देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना काम किया है मैंने। कल तक बिल्कुल टिप टॉप था ये नेल पॉलिश, आधा आधा घिस गया आप देखिए। और इन्हें देखिए तो टूटने भी लगे हैं, मुझे अभी ये सब साफ़ करना पड़ेगा। अभी नहीं करूँगी, बहुत काम है यार, खाना बनाना अभी भी बाकी है। काम से फ्री होकर सबसे पहले मैंने लिया शावर, तो बस इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा। मेरे पास है ना थोड़ी सी पालक रखी थी, पहले मैं सोच रही थी पालक पनीर बनाऊंगी, देन आई थॉट कि नहीं बहुत हैवी हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग है, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था, तो कुछ जल्दी से बन जाए वो मैं बनाने लगी हूँ। तो मैं पहले थोड़ा सा ना पालक चुन लूँगी, मैं बेसिकली पालक वाले पराठे बना रही हूँ, साथ में एक बहुत ही क्विक सी सब्ज़ी बनाऊँगी कैबेज की। आप ट्राई कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, कॉम्बिनेशन में भी आप बना सकते हो, चाहे तो अलग अलग बना लीजिए। सब्जी को सादी रोटी पराठा से खा सकते हैं और पालक के पराठा को अलग दही अचार के साथ खाया जा सकता है। बट बिकॉज अभी विंटर्स है ना यार, तो थोड़ा सा हरी सब्जियों को ज़्यादा आपकी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आपको पता ही है कि हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल हैं वो। थोड़ा पालक मैंने साफ करके रख लिया और उसे ना भिगो के रख दिया है पानी में, क्योंकि जो हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उस पर थोड़ा मिट्टी का चांसेस रहता है और उसे सोख करके रखना ज़रूरी है, तभी मिट्टी घुल के हटती है। जब तक पालक ज़रा सा सोख हो रहा है मैं बाकी तैयारी कर लूँगी। मैंने थोड़ा ऑनियन चॉप किया है और जैसे मैंने आपको बताया मैं एक कैबेज की बहुत अच्छी और इजी वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो ये छोटा सा कैबेज था मेरे पास, ये मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा मैं है ना आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप पत्ता गोभी खरीदते हैं कोशिश किया कीजिए कि वो हैवी हो, यानी कि जब आप उसे हाथ से उठा के फील करते हैं तो उसका वज़न उसके साइज़ के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर आपकी पत्ता गोभी आपको बहुत हल्की फील हो रही है तो ऐसी पत्ता गोभी मत खरीदिएगा, वो कम जूसी होती है, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं बनाने लगूंगी सब्ज़ी, उससे पहले मैं पालक को थोड़ा सा ब्लांच कर लेती हूँ। और ये प्रोसीजर आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन करने से है ना एक तो जो भी पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल किया रहता है इन पत्तों पे वो थोड़ा सा हट जाता है, आर्टिफिशियल किसी तरह के कलर्स हैं वो भी हट जाते हैं, और दूसरा एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है सफाई का, और टेस्ट मुझे लगता है थोड़ा सा कम पंजी हो जाता है। तो आप चाहें तो पालक को ब्लांच करके ही इस्तेमाल कीजिए। बनाने लगी हूँ सब्ज़ी, मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी का तेल ले सकते हैं। और तेल में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये दोनों थोड़ा सा भून जाएंगे। इसके बाद ऐड कीजिएगा इसमें प्याज और थोड़े से करी पत्ता, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये मैंने फ्रेशली अभी कूटा है। और आपको इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप प्याज भून रहे हैं इसको बहुत लाल नहीं करिएगा, ठीक है, इससे इस सब्ज़ी को एक अलग ही टेक्सचर और टेस्ट मिलता है। थोड़ा सा भून लिया है मैंने जिंजर गार्लिक को, और इसके बाद ऐड किया है मैंने इसमें दो टमाटर, और ये है ना बहुत मसालेदार सी सब्ज़ी बनने वाली है, इसलिए इसमें प्याज टमाटर वगैरह थोड़ा ज़्यादा जाएगा, उतनी ड्राई ड्राई सब्ज़ी नहीं बनेगी ये। और बना के देखिए यार आपको बहुत अच्छी लगेगी कैबेज का ये वेरिएशन। थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने डाली है और थोड़े से मटर, मटर फ्रेश हैं ये, फ्रोज़न नहीं है, और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते ही रहिए। आप देख रहे हैं मैंने टमाटर भी खड़े ही रखे हैं, प्याज भी बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, इसी तरह से बनाइएगा अच्छा लगेगा। मसालों में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जो धनिया का पाउडर है वो लिया है, और जितनी आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से मिर्ची, और थोड़ा कम हल्दी, और सब चीज़ों को मिला दीजिए और इसे ज़रा देर पकने दीजिए। और मुझे ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपके नमक में काला काला क्या दिखता है, अभी तो ये ख़त्म होने वाला है, इसमें आपको दिखा देती हूँ। मैं एक्चुअली हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसके अंदर है ना ये थोड़ा ऐसा काला काला दिखता ही है, यही आपको नज़र आता है। और ये है ना एक्चुअली आप देख सकते हैं एडिबल मिनरल सॉल्ट है, यानी कि रॉक सॉल्ट, और मैंने कहीं पढ़ा था कि रॉक सॉल्ट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए पिछले कुछ महीनों से मैं नॉर्मल सॉल्ट की जगह इस तरह रॉक सॉल्ट जो मिलता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सब्ज़ी ज़रा सी देर पक गई है, इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है नमक स्वाद के हिसाब से, और आप देख सकते हैं सब चीज़ें इसमें खड़ी खड़ी हैं, क्योंकि ऐसी ही चाहिए, जो भुना मसाला बनाते हैं ना हम प्याज और टमाटर का, वैसा नहीं बनाना है।
और इसमें ऐड किए हैं मैंने थोड़े से आलू और जो पत्ता गोभी मैंने काट के रखा था वो। पत्ता गोभी बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है इसलिए इसमें पानी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी है तो ऑलरेडी जो कुकिंग है वो फटाफट शुरू हो जाएगी। ढक्कन लगा के रख दीजिए और उसे कुक होने दीजिए अपने आप। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत आराम से बन जाएगी ये सब्ज़ी, आपको कोई हेडेक नहीं लेना है। ये जो पालक हमने उबाला था ना, इसको छान लिया है मैंने और इसमें एक हरी मिर्ची डाल के थोड़ा पानी डाल के इसका प्योरी बना लेना है। देखिए क्योंकि मैं बना रही हूँ ये पराठे सब्जी के साथ, इसलिए मैं थोड़ा उन्हें बेसिक ही रख रही हूँ। अगर आप पराठों को खाने वाले हैं दही अचार के साथ तो फिर आप थोड़े और मसाले इसमें मिला सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं और थोड़े सूखे मसाले मिला सकते हो। दोनों ही चीज़ें मसालेदार और फ्लेवरफुल हो जाएंगी तो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता है, एक चीज़ को थोड़ा सटल होना चाहिए। सब्जी हमारी आज बहुत मसालेदार है इसलिए पराठे में बेसिक रख रही हूँ, लेकिन अगेन अगर आप सिर्फ पराठे खा रहे हैं सब्जी नहीं है तो फिर पराठों को थोड़ा सा स्पाइसी किया जा सकता है। प्योरी डाल के आटे में मैंने ज़रा नमक भी ऐड किया है और इसको एक अच्छी तरह से डो जैसा बनाते हैं ना हम, वैसे गूंद लीजिए पानी डाल डाल के। और इसको पराठे करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम नॉर्मल जैसा आटा होता है बिल्कुल वैसा ही आटा ये लगाने के लिए इजी है और इससे पराठे करने के लिए भी उतना ही आसान है। बस अच्छी तरह गूंद के थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं रखना आपको, सॉफ्ट से ज़रा सा ना कड़क जैसा आटा रखिए और इसे थोड़ी देर रेस्ट दीजिए। और यहाँ देखिए सब्ज़ी आप देख सकते हो कितनी अच्छी मसालेदार बनी है और बस पकने आई है। ज़रा इसमें पानी का कंटेंट है, ये सूख जाएगा, इतनी देर में इसे पकाऊंगी। बहरहाल मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ज़रा सा गरम मसाला और हाँ आप है ना पाव भाजी मसाला इसमें ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी मसाले से। मेरे पास नहीं था अभी के लिए तो मैंने ज़रा गरम मसाला डाला है, गरम मसाला भी अच्छा लगता है पर फर्स्ट चॉइस इज़ पाव भाजी मसाला। सब्जी को मैं 5-1 मिनट पकने रखूँगी जिससे वो ड्राई हो जाए। और ये है मेरा वो मूली मिर्चे का जो सिरके वाला मैंने बनाया था, वो वाली मूलियाँ तो ख़त्म भी हो गई थी तो मैंने बाद में एक और मूली को आपने देखा ना सेमी सर्कल शेप में काट के डाला है, आप ट्राई कीजिएगा बड़ी अच्छी लगती है थाली में इस तरह की खट्टी खट्टी मूलियाँ, और मिर्ची भी खट्टी हो जाती है बिल्कुल तीखी नहीं लगती है। सलाद मैंने काट लिया है और बस सब्जी को गार्निश कर रही हूँ मैं हरे धनिए से, और हरा धनिया मेरा हफ्ते भर पुराना है, थैंक गॉड टू दिस डब्बा कि ये अभी तक इतना फ्रेश है। बस फाइनली अब मैं बनाऊंगी पराठे। पराठे आप बेसिक भी बना सकते हैं जैसे सर्कुलर पराठे बनाते हैं हम, आप इन्हें शेप भी कर सकते हो, इनका शेप करना भी बहुत आसान है क्योंकि हमने पालक को प्योरी किया है ना, काटा नहीं है तो इसलिए बिल्कुल आटे जैसे ही बेलने में है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ट्रायंगल पराठे। सर्दियों में पराठे खाने का अपना ही मज़ा है यार, सूखी सब्जी हो तो पराठे, कुछ सब्जी ना हो तो स्टफ्ड पराठे, रात की कोई सब्जी बच गई तो उसे स्टफ करके पराठे, बेसिकली हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। सर्दियों में बहुत पराठे बनते हैं इसलिए सर्दी कहा भी जाता है कि हेल्थ बनाने का सीज़न है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, घर का काम अपने आप में बहुत एक्सरसाइज है यार। हाउसवाइफ से पूछो सारा दिन कितना काम वो करते हैं, एक दिन काम ना करें तो घर की हालत बता देती है कि यहाँ पे आज कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बहरहाल तीनों शर्माज खाना खाने बैठ गए हैं, मैं खिला रही हूँ उनको गर्मा गर्म पराठे। ट्राई कीजिएगा आप ये पराठे, बहुत आसान है और बच्चों को भी अच्छा लगते हैं। और कल हम लोग वडोदरा वापस आ गए और उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया मैंने, लेकिन सच पूछो तो बाद में मेरी बिल्कुल हिम्मत ही जवाब दे गई, मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी यार, ट्रैवल करते करते भी इंसान थक जाता है ना बैठे बैठे। मैंने कोई काम नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाया, मैं बस सो गई। और आज सुबह से जो मेरी रील बनी है ना, इतना काम किया है मैंने आज सुबह से, मुझे लग रहा था ये दिन पता नहीं कब एंड होगा, काम पे काम काम पे काम। मैं उम्मीद लगा रही थी दिन पूरा हो जाए तो मैं मुझे एक ब्रेक मिल जाए, मुझे और काम ना करना पड़े। आप सोच के देखिए घर में जो जो काम हो सकता है मैंने आज सब किया है, बिकॉज जब से हम वडोदरा आए हैं हमें झटके पे झटके मिल रहे हैं। पहला तो ये कि मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे और भी जो मेरे नेबर्स हैं जिनके यहाँ वहाँ पे वो काम करती है, उन लोगों ने मुझे बताया कि लाइक जब से मैं गई थी वडोदरा 31st तभी से वो नहीं आ रही है, सॉरी मुंबई गई थी मैं तभी से वो नहीं आ रही थी। और नहीं आए वो एक अलग बात है, थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ जाता है,
कोई काम करने के लिए जब हमको कोई मिल जाता है ना, और फिर वो काम वापस हम पे आ जाए, तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लगने लगता है काम। जो काम हम रोज़ रोज़ खुद करते हैं वो उतने डिफ़िकल्ट नहीं लगते। तो एक प्रेशर तो ये कि वो नहीं आ रही है काम, मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और दूसरा प्रेशर ये है कि वो बीमार है, ऐसा बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटलाइज है। मैंने उसके घर फ़ोन किया था पर वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा उसके लिए चिंता हो रही थी कि जाने क्या हो गया है, मे बी उसको किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, मैं उसे देख कर रहा हूँ, बट उसके घर से कोई, तो मैंने उसके घर पे कॉल किया था और कोई भी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यह बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है यार, एक तो बंदा आएगा नहीं, दूसरा वजह यह है कि वो बीमार है और आपको पता नहीं कि वो उसे हुआ क्या है एक्चुअली। और दूसरा बड़ा झटका ये कि हमारी सोसाइटी में हो रही हैं चोरियाँ, इक्का दुक्का चोरी तो हर जगह होती रहती है, एकदम ही ऐसे क्राइम फ्री जगह तो कोई भी नहीं होती है। बट अभी लेटेस्ट क्या इंसिडेंट हुआ, एक्चुअली हम लोग वापस आए, तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग वडोदरा वापस आए हैं 4 तारीख को दोपहर में, और जब 5 तारीख की जो सुबह होती है ना, मतलब 4 की रात हो के फिर 5 की जो सुबह है, अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे चोरी हो गई है। दिन दहाड़े वो लोग आए और ताला वाला तोड़ के, वो लोग एक्चुअली घर में नहीं थे जिनके घर में उन लोगों ने चोरी करी। तो सौरभ और मैं, जैसे हम लोग को ये पता चला कि वो लोग उस घर में चोरी करके गए हैं जहाँ पे वो लोग थे नहीं, तो हम लोग को आप सोच सकते हो कैसा लगा होगा यार। सिर्फ एक दिन पहले हम लोग आ गए, वरना शायद उनका शिकार हम भी हो सकते थे, बिकॉज़ हमारा घर भी लॉक्ड ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग तो गए वो चोरी वोरी करके, जब वो भाग रहे थे वॉचमैन ने कोशिश की उन्हें रोकने की, तो उन्होंने उसके ऊपर पत्थर वत्थर मार दिए। तो हम लोग, आप सोच सकते हैं कितनी दहशत का माहौल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग अकेले नहीं, मतलब सोसाइटी के लोग बहुत डरे हुए हैं कि इस तरह से आए वो लोग ग्रुप बना के, सुबह सुबह 5, 5:30, 4, पता नहीं क्या टाइम रहा होगा, बट सुबह में उन्होंने किया। मतलब एक डर की भी बात होती है यार, कोई जागा हो, कोई मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हो, आए वो लोग ग्रुप में और कांड करके चले गए, वॉचमैन को पत्थर वत्थर मार दिया। बहुत डरावना है ये सब। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी थी। हाँ, अभी विंटर्स में इतनी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, आप जितना चाहें उनका इस्तेमाल करें, सस्ती भी होती हैं और हेल्थ बेनिफिट्स तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हेल्दी होती हैं। तो जिस तरह से आप चाहें उसे इस्तेमाल कीजिए आपकी डाइट में, पर कीजिए ज़रूर, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।